थे। एक ज़माना मक्के में ऐसा आया है, बोलो, एक ज़माना मक्के में ऐसा आया है कि मक्के में पानी नहीं आ रहा था। बोलो, मक्के में पानी, सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, बोलो मक्के में पानी। उस वक्त हमारे नबी की उम्र मुबारक थी, ये देखो मेरी उंगलियां देखो, नहीं नहीं पूरा मजमा बोलेगा, कितनी उम्र थी, यानी अभी हमारे नबी को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, गारे हिरा में कहाँ, तो हमारे नबी को नबूवत मिली और मक्के में पानी। अच्छा, उस ज़माने में क्या होता था, वो सब मक्के वाले जब कोई काम करते थे ना, तो एक ऐसा बड़ा भगोना रखते थे, प्याला, उसमें खून रखते थे, खून, और उसमें अपना हाथ डिबोते थे और फिर कसम खाते थे। अब मक्के के जितने बड़े बड़े लोग थे ना, मक्के के बड़े बड़े लोग, उन्होंने बहुत बड़ा भगोना मंगाया, बड़ा पतीला मंगाया, उसमें जानवर का खून रखा और सब ने अपने हाथ डाले और कहा, देखो मक्का में पानी नहीं आ रहा है, बच्चे मर रहे, जानवर मर रहे, हमारी औरतें बिलबिला रही है। सब ने अपना हाथ खून में डिबोया और कहा, कसम खाते हैं, आज रात को काबे की दीवार को पकड़ेंगे और पकड़ के रखेंगे, जब तक पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो वही मर जाएंगे। लेकिन किसी तरह भी ऊपर से पानी लाना है। बस ये सबने अपना, बोलो, हाथ किस में रखा, खून में, और सबने मशवरा कर लिया कि आधी रात को काबे के पास पहुंचना है, काबे की दीवार को पकड़ के मांगना। अच्छा ये बताओ, काबा तो बहुत अच्छा घर है ना, नहीं बोलो ना, काबा बहुत अच्छा घर है ना, क्यों अच्छा, इसलिए कि इसका बनाने वाला खुद अल्लाह है। बोला, इसका बनाने वाला अल्लाह ने फरमाया, चौथे पारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल बैतु वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पहला घर जिसकी बुनियाद रखने वाला कौन, जिसको बनाने वाला कौन, बोलो अल्लाह। अब रात का सन्नाटा हुआ, सारे जो मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने खून के प्याले में हाथ डिबोया था, सब रात के सन्नाटे में काबे के पास आ गए। आपको मालूम है, वो खून में हाथ डिबोने वाले हमारे नबी के चचा भी थे, चचा का नाम अबू तालिब, बोलो चचा का नाम। अब उनका भी टाइम हो गया रात को, भाई जाना है, आज हमने हाथ अपना खून में रखा है, हमने कसम खाई है, हमें काबे की दीवार को पकड़ के पानी मांगना है। तो चचा अबू तालिब भी रात को निकल के जाने लगे, सारे मक्का के बड़े बड़े लोग काबे के पास जाने लगे, टोटल मिला के 32 कितने थे। और जब मक्का वालों को पता चला कि मक्के के बड़े बड़े लोग काबे के पास जमा होने वाले और सब ने कसम खाई है और सब लोग किसी तरह भी पानी लाएंगे, तो मक्का की औरतें भी मैदान में, मक्के के बच्चे भी मैदान में, मक्के की बच्चियां भी मैदान में, पूरा स्टेडियम जैसे भरा हुआ, काबे के पास का पूरा हिस्सा भरा हुआ। लेकिन ये 32 जो 32 थे बिल्कुल काबे के पास, उसमें हमारे नबी के चचा भी है, कौन। तो जब चचा जाने लगे ना, तो हमारे नबी की उम्र कितनी थी, साथ में बोलो ना, कितनी उम्र थी, ये बार बार मैं आपसे पूछूंगा, कितनी उम्र थी। हमारे नबी ने उस वक्त क्या कहा मालूम है, चचा कहाँ जा रहे हो, रात के वक्त में चचा को पूछा, ऐन तज़हबू या अम्मी, मेरे चचा कहाँ जा रहे हो। तो चचा ने कहा, भतीजे मालूम नहीं, आज हमने खून में हाथ रखा है, हमने कसम खाई है, काबे की दीवार को पकड़ेंगे, पानी नहीं आएगा वहाँ तक हम आने वाले नहीं, भले हम मर जाएंगे मगर आने वाले नहीं। तो हमारे नबी ने कहा, चचा मेरे को भी ले जाओ ना, बोलो सुभान अल्लाह, चचा मेरे को भी ले जाओ ना। कितने खूबसूरत थे हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह, कितने मासूम थे हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। कहा, चचा मेरे को भी ले जाओ ना। तो चचा ने कहा, ना वहाँ तो बड़े बड़े लोग जमा होंगे। तो कहा, चचा मेरे को ले जाओ, अगर वहाँ खड़े रहने दिए तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाऊँगा। चचा ने कहा, चलो चलो, हमारे नबी भी चले। बोलो उम्र कितनी। अब काबे के पास सब 32 बड़े बड़े खड़े थे, चचा भी खड़े थे, तो सारे वो 32 के 32 चचा को आँख निकाल कर देखने लगे और कहा, ये बच्चा नहीं चाहिए, हम मक्के के बड़े बड़े लोग यहाँ पे खड़े, हमने हाथ डिबोया है, हमने खून में हाथ डिबोया है, हमने कसम खाई है, और ये बच्चे की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो चचा क्या कहते हैं, चचा कहते हैं, मेरे भतीजे मोहम्मद, क्या हुआ। कहा, पीछे जाके बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हमारे नबी पीछे जाके बैठ गए। अब ये कितने थे, बोलो कितने थे, सबकी जबान पर एक ही बात, सब काबे की दीवार को पकड़े हुए सबके सब कहते, या रब काबा अगिसना गैसम मुगीसा, या रब काबा अगिसना गैसम मुगीसा। ये 32 के 32 कहने लगे, काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे। मेरे साबरा वालों साथ में सुने, 32 के 32 मांगने लगे मगर पानी आया
सुबह हो गई, बोलो पानी आया नहीं। सुबह के बाद सूरज सर पे आ गया, बोलो पानी आया नहीं। आसमान भी गरम, बोलो आसमान भी गरम, जमीन भी गरम, काबे की दीवार भी गरम। 32 के 32 मांगे जा रहे, एक काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे, मगर पानी सब पसीने में शराबोर, चक्कर आए, कोई गिरता है, कोई पड़ता है। आपको मालूम है किसी ने चचा का कपड़ा पकड़ा, चचा कौन, चचा यूं ऐसा पीछे मुड़े, पीछे मुड़े तो भतीजे, कौन, मोहम्मद, बोलो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चचा ने बड़े गुस्से में कहा, क्या हुआ, क्यों आए? कहा, चचा मेरे को आने दो ना, मैं आऊंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो चचा बड़े गुस्से हो गए, चचा ने कहा तुम आओगे तो ऊपर वाला पानी बरसाएगा, हम 32 है, मक्का के सरदार है, हम रात से पानी मांग रहे, ऊपर वाले ने पानी नहीं दिया, और तुम 9 साल के, तुम आओगे पानी मांगोगे तो पानी आ जाएगा, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। बहुत गुस्से हुए चचा, बोलो हमारे नबी वापस पीछे जाके बैठ गए, और इन लोगों ने फिर मांगना शुरू कर दिया, ओ काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, ओ काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे। और 1-2 घंटे गुजर गए, बोलो पानी आया? अब तो पानी नहीं आया, और इतनी गर्मी, कोई चक्कर खा के गिर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है। फिर चचा का कपड़ा किसी ने पकड़ा, चचा फिर बड़े गुस्से में, कौन, बोलो हमारे ने, उम्र कितनी, तो चचा फिर गुस्से में फिर आए, तो चचा पानी वानी के वास्ते नहीं आया, आपको पसीना कितना आया, मैं अपनी चादर से आपका पसीना साफ करने के वास्ते आया हूँ। हमारे नबी कितने मासूम, 9 साल की उम्र, कितने खूबसूरत, कहा चचा मैं पानी के वास्ते नहीं आया, आपने 1 मरतबा मेरे को मना कर दिया, मैं पीछे चला गया, मैं पानी के वास्ते नहीं आया, लेकिन चचा आपको कितना पसीना होता है, मैं भतीजा आपका पसीना देख नहीं सकता, मैं अपनी चादर से आपका पसीना साफ करने आया। ये कहकर हमारे नबी ने अपनी चादर उठाई और चचा का पसीना साफ करने लगे। चचा को इतना रहम आ गया, अपने भतीजे को यूँ गले लगाए, जैसे गले लगाए ना, हमारे नबी ने कहा मुझे आने दो ना, मुझे काबे के पास आने दो, एक काम करूँगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। बोलो सुभान। अभी चचा गुस्से हुए है, उससे पहले किसी ने सुन लिया, जोर से कहने लगा, ए मक्का के सरदारों पानी आ गया, ओ मक्का के सरदारों पानी आ गया। सबने कहा बावला कहाँ आया, यहाँ गर्मी है, तपे जा रहे, मरे जा रहे, कहाँ पानी आया? कहा ये मोहम्मद कह रहे वो एक काम करेंगे तो पानी, बोलो नहीं बोलो ना, एक काम करेंगे तो पानी। और मक्के वाले तो थके हुए थे, कहने लगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मोहम्मद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ गए, बोलो हमारे नबी आ गए। अब सुनना, हमारे नबी आए, कितने थे बोलो, कितने थे, बड़े बड़े सरदार, बाकी पूरा मक्का ही जमा था, लेकिन बड़े बड़े सरदार थे। तो हमारे नबी ने पहला सवाल पूछा, तुम क्या कर रहे थे, उनको पूछा तुम क्या कर रहे थे। अब उन्होंने कहा ये तो अजीब है, क्या कर रहे थे, अभी तो ये पूछ रहे क्या कर रहे थे, कहा हम पानी मांग रहे थे। तो हमारे नबी ने कहा कि मुझे मालूम है, 9 साल की उम्र थी हमारे नबी की, फरमाया मुझे मालूम है कि तुम पानी मांग रहे थे, लेकिन मैं कहाँ था, अइना कुंतु, मैं कहाँ था। सबने कहा तुम पीछे बैठे थे, हमने तो देखा तुमको, तुम पीछे बैठे थे, हम पानी मांग रहे थे। देखो हमारे नबी का जवाब सुनो, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कहा तुम पानी मांग रहे थे, मैं कहाँ था, बोलो पीछे। तो हमारे नबी ने फरमाया अब मैं पानी मांगने आया, तुम पीछे चले जाओ, भाई जब तुम मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब मैं आया हूँ, तुम कितने थे वो लोग, 20 चले गए, कितने बचे, 12 अड़ गए ना, एक छोटा बच्चा आगे रहेगा 9 साल का, और हम मक्का के सरदार पीछे रहेंगे, हमारी नाक कटेगी, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारे नबी के पास जो चादर थी ना, हमारे नबी ने चादर को उठाया और 12 को कहा तुम भी पीछे चले जाओ, एक बार मोहम्मद यहाँ से चले जाएंगे, मक्के में कयामत तो आएगी मगर पानी कभी नहीं आएगा, मक्के में कयामत आएगी मगर पानी। ये बोलकर हमारे नबी जाने लगे, तो वो जो कितने पीछे चले गए थे वो 12 को कहने लगे आ जा आ जा, बीवी बेवा हो जाएगी, आ जा आ जा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, चल 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 आ जाओ। अब वो बेचारे एकदम चेहरा काला काला करके आए और लाइन में पीछे, कितने खड़े हो गए लाइन में, और हमारे नबी आगे। अल्लाह ने बता दिया मेरे नबी अभी तो 9 साल की उम्र है, मक्का के सरदारों को मुक्तदी बनाया, मोहम्मद को इमाम बना दिया।
खल्ला ने बता दिया, अल्लाह जल्ला जलालू ने बता दिया, आज मक्का के सरदारों को, 32 के 32 सरदारों को मैंने पीछे खड़ा कर दिया। अल्लाह फरमाते मेरे मोहम्मद अभी तो नबुवत भी न मिली, सब मक्का के सरदारों को मुक्तदी बना दिया, मेरे मोहम्मद को सबका इमाम बना दिया। अच्छा वो पीछे खड़े थे गुस्से में होंगे कि खुश होंगे? वो पीछे से जोर जोर से चिल्लाते हैं, मोहम्मद अब तो आ गए, पीछे आ गए, हमारी नाक कट गई, सारी औरतों ने भी हमको देखा, पीछे आ गए, अब करो जो करना है करो। हमारे नबी पीछे मुड़े, कहा अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे? हम गुस्से हुए, कहा पानी मांग रहे थे पानी। हमारे नबी ने फरमाया गुस्से मत हो ना, तुम पानी मांग रहे थे, तुम चाहते हो मैं भी पानी मांगू, मैं भी पानी मांगू तो तुम्हारे मेरे में फर्क क्या? भाई तुम पानी मांग रहे हैं, मैं भी पानी मांगू तो तुम में और मेरे में फर्क क्या? तो 32 के 32 चिल्लाने लगे, फिर तुम करोगे क्या? कहा बस यही तो देखते रहो मैं क्या करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब एक एक जुमला सुनना, हमारे नबी ने क्या कहा, 32 के 32 बल्कि सारा मक्का देख रहा, हमारे नबी के उमर आवाज नहीं आ रही, बोलो उमर। हमारे आका ताजदारे मदीना बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्र मुबारक कितनी है? हमारे नबी मासूम 9 साल की उम्र, हमारे नबी काबे के पास खड़े हैं, सारे मक्का के सरदार पीछे खड़े हैं। हमारे नबी ने पहली मर्तबा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, हमारे नबी ने थोड़ा सा चेहरा, देखो मेरी तरह, थोड़ा सा चेहरा हमारे नबी ने आसमान की तरफ उठाया, बस वो थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठा, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए, सारे मक्का वाले देख रहे बादल जमा हो रहे। फिर हमारे नबी ने और थोड़ा चेहरा, बोलो और थोड़ा, ये मुझे देखो, और थोड़ा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, आसमान से रिम झिम पानी बरसना शुरू हो गया। अब सुनना, फिर हमारे नबी ने आखिरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, पूरे मक्के में धूमधाम से पानी बरसने लगा, मक्के में पानी, मक्के के गांव में पानी, मक्के की वादियों में पानी, मक्के की घाटियों में पानी, पानी आने लगा, सारे मक्का वाले भीगे भीगे अपने घर, लेकिन सबकी जुबान पर क्या था, सारे मक्का वाले जाने लगे लेकिन एक ही बात जुबान पर थी, मोहम्मद आ गए, बोलो मोहम्मद आ गए। सारे मक्का वाले भीगे भीगे जाने लगे, सारे मक्के में पानी आने लगा, मगर अल्लाह की आवाज आई। किसकी आवाज आ रही है? जो मक्का वालों ने भी सुना, बोलो किसकी आवाज आई, क्या आवाज आई? इस पर सब नारे तकबीर बोलना, बोलोगे ना इंशाल्लाह, लेकिन पहले सुन लो, बराबर सुन लो। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा चेहरा उठाया, मक्के में धूमधाम से पानी आने लगा, सारे मक्का वाले भीगे भीगे अपने घर जाने लगे, मगर अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब, सुनना, अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया, उंगली भी बता देता मैं पानी बरसा देता, उंगली भी बता देता, बोलो मैं पानी। मेरे दोस्तों हमारे नबी की क्या शान है, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अल्लामा रूमी, बोलो कौन, अल्लामा रूमी, उन्होंने ये वाक्य को शेर में लिखा, किस में लिखा, जब शेर में लिखा और भी वाक्य को लिखा, रात को सोए, हाँ अल्लामा रूमी तो बहुत बात के अल्लाह के वली, रात को शेर लिख के सो गए, अरबी में लिख के सो गए, हमारे नबी ख्वाब में आए, कहा रूमी क्या लिखा, रूमी ने कहा मेरे नबी मैंने आपकी शान में लिखा, फरमाया जो लिखा, जो सुना, जो पढ़ा, सबकी कयामत में सिफारिश करूँगा। तो मेरे प्यारो सुनना, वो शेर सुनना है, हाँ बोलो ना सुनना, लेकिन उससे पहले फिर वो सुनो, हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा चेहरे अनवर उठाया, धूमधाम से पानी आने लगा, अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब, बोलो अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया, उंगली भी बता देता, बोलो मैं पानी। उसको अल्लामा रूमी ने लिखा, इतने अच्छे अंदाज में लिखा, ये उलमा तो जानते होंगे, इतने अच्छे अंदाज में अल्लामा रूमी लिखते, खसफल कमरु बि जमालिही, पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे इंशाल्लाह,
कितने प्यार से, खसफल कमरु भी जमाली नतकल अजरु भी जलाली अबयद युस्तस्कल गमामु भी वजही सल्लो अलैहि व आलिहि। सब बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लामा रूमी क्या कहते, मेरे प्यारे नबी आप इतने खूबसूरत हैं आपको देखकर चांद भी मांद पड़ जाता है, चांद भी मांद पड़ जाता है, और मेरे नबी आपका जलाल इतना है कि पत्थर और दरख्त भी आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं, और मेरे नबी आपका चेहरा इतना मासूम है आसमान की तरफ उठाते हो, अल्लाह रहमत वाला चेहरा उठता है रहमत वाला पानी अल्लाह बरसा देता है। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी